आपको देखने से तो नहीं लग रहा होगा कि ये कच्चे आम की चटनी है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की चटनी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कच्चे आम की चटनी के लिए फ्रेंड्स हमने दो मीडियम साइज़ के आम लिया, वेट में लगभग 200 ग्राम के आसपास होगा, और 4 से 5 हमने सूखी मिर्च, आधी इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लिया है। और आम को हमने इस प्रकार से इसके डंठल को काट के इन सारे आमों को हम छील लेंगे। छीलने के लिए हमने इस प्रकार के छीलने वाले से इसे छीला है। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इसे छील सकते हैं, हमने इस छीलने की मदद से इसे छीला है। तो इसी प्रकार से आप सारे आम को छील लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है ये चटनी। और ये चटनी का स्वाद आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का इच्छा करेगा, क्योंकि आम का सीजन अब आ गया है। तो इसी प्रकार से हमने सारे आमों को छील के इस प्रकार से इसके बीज में जो बीज होते हैं उसको भी हमने निकाल दिया है काट के, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें भी इसके जो है बीज में भी गुठलियाँ नहीं बनी है, तो इस प्रकार से हमने काट के इसे सॉफ्ट वाले बीज को निकाल दिया है। और इस प्रकार से हमने इसे काट के बारीक बारीक काट के, क्योंकि पीसने में ये सहूलियत होगी। आप चाहे तो इसे सिलवट्टे पे भी पीस सकते हैं, उसका स्वाद थोड़ा और बढ़िया आता है। तो हमने यहाँ पे मिक्सी जार में ही पीसा है। आप सिलवट्टे पे पीसते हैं इसे तो उसका स्वाद और ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो फाइनली हमने इस प्रकार से चॉप कर लिया है दोनों आम को। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे। मिक्सी जार में सारे आम टुकड़ों को डाल के हमने लहसुन के जो कलियाँ लिया था वो डालेंगे, और अदरक, उसके बाद फिर सूखी मिर्च। सूखी मिर्च आप यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दें, उसका तीखा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने काला नमक डाला है, आप चाहे तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पानी थोड़ी सी ऐड कर लेंगे ताकि पिछले में सहूलियत हो, और ये जो ग्रेवी इसकी चटनी की बनेगी थोड़ी सी ढीली हो। तो ये देखिए हमारा फाइनली आम की चटनी बन के तैयार है। कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है, और इसका जो कलर आया वो लाल मिर्च से कलर आया है। तो अब हम एक बॉल में इसे निकाल लेते हैं, तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी थिकनेस को, कितनी गाढ़ी है ये चटनी। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, और इन गर्मियों में इस आम के खट्टे चटनी का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।